हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी अपनी माँ नीलम के साथ रहा करती थी। सुहानी हर चीज में काफी होनहार थी। बस इसीलिए उसको एक ऐसा लड़का चाहिए था जो कि काफी अमीर हो, जो पैसों में खेलता हो। ऐसे ही एक दिन सुहानी चाय बना रही थी, तभी नीलम अपनी बेटी को किचन में चाय बनाते देखकर कहती है, हाय, लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, तभी तो उसने किचन संभाल लिया। माँ, मैंने कोई किचन विचन नहीं संभाला है, बल्कि आज मेरा मन था चाय बनाने का, बस इसलिए यहाँ चाय बनाकर ले आई मैं। अच्छा छोड़ इन सबको, मैं तुझे ये बताने आई थी कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है, तू उससे शादी कर ले, बहुत अच्छा लड़का है। शादी कर लूँ मम्मी? आपको पता है ना, अभी मेरी उम्र शादी की नहीं हुई है, मैं अभी बच्ची हूँ, और एक बच्ची भला शादी कैसे कर सकती है। मैं जानती हूँ, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही है। अब बताओ क्यों नहीं करना चाहती हूँ मैं शादी। बेटा सुहानी, मैं भी तेरी माँ हूँ, माँ समझी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। अब माँ, आप तो जानती ही हो कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, तो आप शादी को लेकर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। देखो माँ, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, हर चीज उसे आती है, साथ ही वो सुंदर भी है, तो उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो ना, जिसको मैं देखकर एक ही झलक में हाँ कर दूँ। सुहानी, जैसा तू ढूंढ रही है ना, इस बार मैंने ठीक वैसा ही लड़का ढूंढा है। ये काफी अमीर है, इसकी दो कंपनी है, दो फ्लैट है, अपनी माँ का एक लौता बेटा है, स्मार्ट भी बिल्कुल हीरो के जैसे है, और अगर तुझे लड़के से शादी नहीं करनी तो ठीक है, मैं इस लड़के को मना कर देती हूँ। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये बस डॉलर में खेलता है, इंडिया में इतना सब होने के साथ साथ उसकी एक कंपनी यूएसए में भी है। डॉलर का नाम सुनते ही लड़के की फोटो देखने की इच्छा सुहानी के मन में जागृत होती है, और वो अपनी माँ से कहती है, माँ अब आप इतना बोल ही रही हो तो दिखा दीजिए लड़के की फोटो। अपनी बेटी की बात सुनकर नीलम हंसने लगती है और उसको फोटो दिखाते हुए कहती है, देख ये है लड़का, मैं जानती हूँ, इसको देखने के बाद तो किसी और को देख ही नहीं सकती है। हाँ माँ, लड़का तो अच्छा है, पर आपकी बेटी ज्यादा अच्छी है। वैसे माँ, क्या सच में ये डॉलर में खेलता है, मतलब क्या सच में इसके पास डॉलर है? अरे हाँ बेटा, अब भला तेरी माँ तेरे से झूठ क्यों बोलेगी, और वैसे भी कोई माँ ये चाहेगी कि झूठ बुलवा कर वो अपनी बेटी की गलत जगह शादी कर दे, नहीं ना? हाँ बात तो वैसे सही की है आपने, चलो ठीक है, आप बात कर लो इस लड़के से। वैसे भी मुझे शुरू से ही अमीर पति चाहिए, और ये तो अमीर नहीं कुछ ज्यादा ही अमीर है, अब जो बंदा डॉलर में खेलता हो उससे शादी कौन नहीं करना चाहेगा। सुहानी मन ही मन खुश होते हुए अपनी चाय लेकर चाय पीने लगती है। समय बीतता है, अब बहुत ही जल्द सुहानी का रिश्ता मेहुल से फिक्स होता है। इसी तरह से शाम गुजरती है, सुहानी और मेहुल अक्सर मिला करते, ढेर सारी फोन पर बातें करते। ऐसे ही एक दिन सुहानी फोन पर अपने होने वाले पति मेहुल को कहती है, मेहुल जी, मैं क्या पूछ रही थी कि शादी से पहले मेरी मम्मी ने कहा था कि आप डॉलर में खेलते हो, क्या मैं डॉलर देख सकती हूँ? सुहानी, डॉलर कोई दिखाने वाली चीज थोड़ी ना है, और वैसे भी हम अपनी इनकम जितनी छुपाते रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं तो लोगों की नजर लग जाती है। मेहुल जी, कैसी निब्बा निब्बी वाली बातें करते हो आप, अरे अब जब हमारे पास पैसा है तो उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करेंगे? देखो सुहानी, इस्तेमाल करना ठीक है, पर फिजूल खर्चा ठीक नहीं है। अब जैसे तुम खुद को ही देख लो, तुम्हें मेरी तरह अमीर लड़का चाहिए था, पर तुमने ये सोचा है कि इंसान अमीर होता कैसे है, नहीं ना? बात तो बिल्कुल सही कही है मेहुल जी ने, लेकिन मैं मेहुल जी को कैसे कहूँ कि मैंने तो कभी डॉलर देखा ही नहीं और मुझे ये देखना है। क्या हुआ सुहानी, कहाँ चली गयी तुम? अरे कहीं नहीं मेहुल जी, मैं तो यहीं हूँ। वैसे आपने जो कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है। अच्छा आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो ना सुहानी, क्या कहना है? मैं चाहती हूँ कि आप हमारी शादी में डॉलर की माला पहनकर आए, आप आओगे ना डॉलर की माला पहनकर? ठीक है, मैं पहनकर आऊँगा, और कोई डिमांड है मेरी बीवी की? नहीं नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ, मम्मी बुला रही है। सुहानी अब फोन रख देती है और बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सीता आंटी आई हुई है, और सीता आंटी को देखकर सुहानी उनसे कहती है, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा मैं तो बस बढ़िया हूँ, तू बता, मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, और वो भी कोई ऐसे वैसे घर में नहीं बल्कि बहुत बड़े घर में तेरा रिश्ता पक्का हुआ है। हाँ आंटी जी, हुआ तो है, और आपको तो पता है कि मेरे पति ना डॉलर वाले हैं,
के पास ना तो पैसे की कमी है ना ही किसी और चीज की। मेरे पति डॉलर में खेलते हैं, डॉलर में। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब मुझे भी डॉलर दिखा दियो। मैंने आज से पहले कभी डॉलर नहीं देखा ना, इसलिए। जब मैं देख लूंगी तब आपको भी दिखा दूंगी। क्या कहा बेटा तूने? अरे हाँ हाँ आंटी, इसमें भी कोई बोलने वाली बात है। जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब मैं जरूर आपको डॉलर दिखा दूंगी। चलो ये अच्छा है कि हमारी सुहानी को डॉलर वाला पति मिल रहा है। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, शादी में सुहानी बेटिया को आशीर्वाद देने आऊंगी। सीता वहाँ से चली जाती है तो वहीं अब नीलम अपनी बेटी सुहानी को कहती है, बेटा तेरा पति भले ही डॉलर में खेलता है, तेरा पति भले ही डॉलर वाला हो, पर अपने पति के पैसों पर इतना गुमान भी सही नहीं है। और तू उसे हर जगह शो ऑफ क्यों करती फिरती है? माँ मैं कहाँ शो ऑफ करती हूँ, आप भी ना जाने कैसी बात करती हो। सुहानी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है, अब सुहानी हर जगह अपने पति के बारे में बोलने लगती। ये देखकर नीलम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए नीलम मेहुल से मिलने उसके घर जाती है और उसे कहती है, मेहुल बेटा मैं यहाँ तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं बस इतना पूछूंगी कि सुहानी ने तुमसे कभी कोई डिमांड रखी है, मतलब शादी को लेकर, कि शादी में तुम ये पहन कर आना, ये नहीं या कुछ? हाँ माँ, उसने मुझे कहा है कि शादी वाले दिन मैं डॉलर की माला पहन कर आऊँ। पर क्या हुआ अचानक आप इस तरह से? सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक तो है, पर क्या माँ? पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ोगे। प्रॉमिस माँ, अब बताओ। मेहुल को अब नीलम सारी बात बताती है कि किस तरह से सुहानी हर जगह अपने डॉलर वाले पति का डंका पीट रही है। अब क्या था, सुहानी को सबक सिखाना जरूरी हो गया था, बस इसीलिए मेहुल कहता है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा, पर सुहानी को सबक जरूर सिखाऊंगा। उसको ये सिखाऊंगा कि ज्यादा शो ऑफ सही नहीं होता, क्योंकि अक्सर ज्यादा दिखावा भी भारी पड़ सकता है। नीलम अब वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद शादी की रात आती है। सुहानी के दरवाजे पर बारात खड़ी थी। थोड़ी देर बाद मेहुल दूल्हे के लिबास में घर के अंदर आता है और जयमाला के लिए स्टेज पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अब सुहानी भी स्टेज पर आती है, जहां वो देखती है कि मेहुल ने एक मामूली सी माला पहनी है। ये माला देखकर सुहानी अपने पति से कहती है, मेहुल जी मैंने आपको डॉलर की माला पहनकर आने को कहा था, आप ये कैसी माला पहनकर आए हैं? मैं अपने पैसे शो ऑफ नहीं करता सुहानी, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पैसे हैं उनको छुपा कर रखो, क्योंकि उन पर लोगों की नजर लगते देर नहीं लगती। अब मैं क्या करूं? मैंने तो सभी को कह दिया था कि मेरे पति डॉलर वाले पति हैं। अब लोगों को डॉलर कहीं दिखेगा नहीं। हाँ आइडिया, मेहुल जी आपने अंडरवियर कौन सा पहना है? क्या क्या मतलब? मतलब आपने पहना है ना? हाँ क्यों? कौन सी कंपनी का है? क्या बोले जा रही हो सुहानी? बताओ ना मेहुल जी, अब अपनी वाइफ को तो ये बता ही सकते हैं। इमोशनल ड्रामा मत करो, बता रहा हूँ मैंने डॉलर का अंडरवियर पहना है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी सीता आती है और कहती है, अरे सुहानी तू तो बोल रही थी कि तेरा पति डॉलर पहन कर आएगा, कहाँ है डॉलर? है ना, दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुहानी अपने कमरे में से कच्चे का एक डब्बा लाती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, ये रहा मेरे पति का डॉलर, मेरे पति यही डॉलर पहनते हैं। अब मैं अपने पति का अंडरवियर तो दिखा नहीं सकती, तो इसलिए मैंने आप सभी को ये डब्बा दिखाना जरूरी समझा। उसकी इस बात से अब सभी हंसने लगते हैं। साथ ही अब सुहानी को भी समझ आता है कि किसी भी चीज का ज्यादा दिखावा करना सही नहीं होता। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।